गुड मॉर्निंग, सरकारी सिलेबस में स्वागत है आपका। और इस वीडियो में छह ऐसी वैकेंसियों के बारे में चर्चा करेंगे, और इन वैकेंसियों की खास बात ऐसी कि ऑल ओवर इंडिया के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी खास बात ये कि ये वैकेंसी अभी रनिंग में है, अभी चल रही हैं। अगर आपके लिए सुटेबल होती हैं, अगर आपको पसंद आती हैं, आपके मतलब की होती हैं, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं और इसकी जोर शोर से तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि फॉर्म भरना ही इस बात की गारंटी नहीं होती कि आप इसमें जो है ना सेलेक्ट हो गए, भर्ती हो गए, जॉब मिल गई। वो तो एक जो है ना सबसे छोटा प्रोसेस है। आपको मेहनत लगातार करनी पड़ेगी, तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन का जमाना है। आगे बात करते हैं कौन कौन सी वैकेंसी है। तो टोटल छह वैकेंसियों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे आपकी। तो जो नंबर वन पे आती है और जो कि अभी चल रही है, सीआईएसएफ के कांस्टेबल ट्रेड्समैन की वैकेंसी है। तो जो नंबर वन पे आती है और जो अभी चल रही है, वो आती है सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन। तो अभी वैकेंसी जो ये ट्रेड्समैन वाली वैकेंसी है, इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें कक्षा 10 पास वाले बच्चे इसमें भर्ती मांगे जा रहे हैं कांस्टेबल जीडी के लिए, नॉर्मल ट्रेडमैन के लिए, ठीक है। और कुछ ऐसी पोस्ट हैं जिसमें जो है ना अप्रेंटिसशिप आईटीआई भी मांगा गया, जिसे इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट है, तो उसके लिए आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो कक्षा 10 पास और आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। और नॉर्मल जो आपके हैं ग्रुप डी की नॉर्मल है, उसमें आप कक्षा 10 भी पास हो तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। इसका डिटेल वीडियो चैनल पर पड़ा है, आप चैनल में जाइए, सर्च कीजिए जाके, शुरुआत में ही पड़ा मिलेगा आपको, सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन रिक्रूटमेंट 2019 के नाम से, ठीक है। इसके आपके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है, सॉरी इसके ऑनलाइन नहीं, इसके ऑफलाइन एप्लीकेशन है। इसका सारा प्रोसेस, कितने का पोस्टर ऑर्डर वगैरह जो भी चीज़ें हैं, मैंने उस वीडियो में डिटेल में बताया, आप जाके देख सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपके फॉर्म जो है ना 23 तारीख से चालू हैं, और आपके जो है ना देख सकते हो कि आपकी लास्ट डेट जो है ना यहाँ से देख पाएंगे कि 22 अक्टूबर है। ₹100 का आपका पोस्टर ऑर्डर इसमें लग रहा है। जो रिजर्व कैटेगरी है उनसे कोई फीस नहीं है, और इसमें पुरुष एवं महिलाएं दोनों लोग इसमें अपना पत्र, मतलब कि अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। डिटेल वीडियो के लिए आप चैनल पर ही सर्च कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरे नंबर की वैकेंसी आती है, और ये वैकेंसी भी ऑल ओवर इंडिया के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन ये बच्चे वही फॉर्म भर सकते हैं जिनके पास स्टेनो है। स्टेनो का सर्टिफिकेट की तो जरूरत नहीं है, कक्षा 12 पास वाले बच्चे मांगे गए हैं, लेकिन एक स्किल टेस्ट होगा। सबसे पहले आपका एक रिटन एग्जाम, देन आफ्टर आपका स्किल टेस्ट। अगर आपके पास स्किल नहीं है, स्टेनो आपको नहीं आती है, तो आप इसमें फॉर्म भर भी देंगे तो किसी बात का वो फॉर्म नहीं रहेगा। अगर आपके पास स्टेनो है, स्टेनो आती है अच्छे से, तो आप इसमें फॉर्म भरिए। और इसका जो है ना बहुत ज़्यादा कंपटीशन भी इसमें नहीं होता, क्योंकि स्टेनो वाले बच्चे इसमें फॉर्म भरते हैं। और स्टेनो एक लैंग्वेज होती है, आसान सी नहीं होती है, तो अगर आपको आती है तो इसमें फॉर्म भर सकते हो। और आप यहाँ से देख सकते हैं ग्रेड सी और ग्रेड डी के फॉर्म हैं, और ऑल ओवर इंडिया के बच्चे इसमें अप्लाई कर पाएंगे। 17 सितंबर से आपके फॉर्म चालू हो चुके हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। 20 सितंबर जो है ना डिटेल नोटिफिकेशन 17 को आया, 20 से चालू, और 18 अक्टूबर तक आपके ऑनलाइन फॉर्म चलेंगे। ये फॉर्म ऑनलाइन है, ऑल ओवर इंडिया के बच्चे फॉर्म भर पाएंगे। ₹100 इसकी फॉर्म फीस है। जो रिजर्व कैटेगरी उनसे इसमें कोई फॉर्म फीस नहीं ली जाएगी, ठीक है। अब और आगे देखते हैं, कुछ खास बात जो भी है उसके बारे में बात कर। इसके बाद वैकेंसी आती है आपकी डीआरडीओ की, सीपीटीएम ए एलाइड रिक्रूटमेंट। ए का मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव, एलाइड रिक्रूटमेंट है। तो एडमिनिस्ट्रेशन के विभाग में अगर आप जाना चाहते हो डीआरडीओ, जैसा कि सब लोग जानते हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की वैकेंसी है। इसमें वैकेंसी करीब करीब 250 के आसपास है, और ये वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया की है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। 23 सितंबर से फॉर्म चालू हो चुके हैं, 15 अक्टूबर तक आपके फॉर्म चलेंगे। इसका डिटेल वीडियो मैंने नीचे डाल रखा है, आप चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं। ₹100 इसकी फॉर्म फीस है। इसके बाद अगली वैकेंसी की तरफ रुख करते हैं, जो कि भी ऑल ओवर इंडिया की है। मैं सारी की सारी जो भी वैकेंसी बता रहा हूँ सब ऑल ओवर इंडिया की है। भारत राज्य का, भारत जो अपना देश है, इसके किसी भी कोने का कोई भी बच्चा इन वैकेंसियों में पार्टिसिपेट कर सकता है, फॉर्म भर सकता है, तैयारी कर सकता है, नौकरी कर सकता है। इसके बाद जो बात आती है वो है एलआईसी असिस्टेंट रिक्रूटमेंट। ऑल ओवर इंडिया की इसमें वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा है इसमें, तो इसमें बहुत सारे बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। जो उन बच्चों के पास में ग्रेजुएशन है किसी भी क्षेत्र से, कला साहित्य विज्ञान वगैरह से, वो बच्चे इसमें फॉर्म भर पाएंगे। एक बेहतरीन जॉब प्रोवाइड कराती है। 17 सितंबर से आपके फॉर्म चालू हैं, 1 अक्टूबर तक आपके फॉर्म चलेंगे, तो अभी चल रहे हैं, आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म फीस ₹510, रिजर्व कैंडिडेट के ₹85, जो भी ऑनलाइन चार्जेस हैं। इसके बाद जो आपकी वैकेंसी आती है IBPS क्लर्क की रिक्रूटमेंट है, तो इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी अच्छी हैं, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आप बैंकिंग में अपना करियर बनाना चाहते हो, बैंक में जॉब करना चाहते हो, क्लर्क बनना चाहते हो, तो आपके लिए बेस्ट वैकेंसीज हो सकती हैं 2019 की। आपके जो फॉर्म है 9 अक्टूबर तक चलेंगे, फॉर्म फीस ₹600, रिजर्व कैटेगरी से ₹100 है। ऑल ओवर इंडिया के बच्चे इसमें भी अप्लाई
कर सकते हैं। अब इसके बाद जो आती है सबसे बड़ी, जिसे मैं कहूँगा, और एक बेहतरीन नौकरी, SSC, CPO, SI रिक्रूटमेंट। जिन बच्चों के पास में ग्रेजुएशन की डिग्री है वो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इसमें आपको बनने, तो इसमें देखिए दो तरह के पद हैं आपको, एक तो आपका पद है SI का, ठीक है, सब इंस्पेक्टर, और दूसरा आपका ASI, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। तो दोनों बेहतरीन पद हैं। अगर आप पुलिस में इन्हें देखें, जो आपकी नॉर्मल राज्य की पुलिस होती है, दरोगा जिसे आप कहते हो, तो ऐसे ही आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पुलिस है, CPO, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पुलिस होती है उसका नाम देते हैं CPO। तो अगर आप इसमें ज्वाइन करना चाहते हो तो एक बेहतरीन नौकरी, आपके कंधे पर दो स्टार लगेंगे, आपकी जो है ना ग्रुप बी की नौकरी होगी, एक बेहतरीन पेमेंट मिलेगी करीब करीब 35 से 40 हज़ार रुपये प्रति महीने के हिसाब से, और एक इज्जत भी होती है, ठीक है, जिसके पास ओहदा होता है, पद होता है, उसकी इज्जत होती है। तो भाई अगर आप इसमें जो है ना अप्लाई करना चाहते हो तो अभी इसके फॉर्म चल रहे हैं, 16 अक्टूबर तक इसकी अंतिम डेट है। और सबसे बड़ी बात, ऑल इंडिया के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप किसी की कोने से रहने वाले क्यों ना हो भारत के, चाहे आप असम गुवाहाटी के हो, चाहे आप कन्याकुमारी के हो, चाहे आप जम्मू कश्मीर के हो, चाहे आप गुजरात से रहने वाले हो, ठीक है। तो ऑल ओवर इंडिया की ये फॉर्म हो गए, 100 रुपये इसकी फॉर्म फीस है, रिजर्व कैटेगरी से कोई फॉर्म फीस नहीं ली जा रही है। और इसमें देखिए जो वैकेंसी SSC कराता है, SSC जिसके जो है ना फॉर्म डलवाता है और उसमें एग्जाम कंडक्ट कराता है, तो उसमें घपलेबाजी के चांसेस बहुत कम होते हैं और वैकेंसी भी काफ़ी जल्दी भरी जाती है किसी अन्य ऑर्गेनाइजेशन की तुलना में, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आए जो मैंने ये टॉप 6 वैकेंसीज बताई हैं, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो और अपनी तैयारी कर सकते हो। और इन सब के वीडियो आपको चैनल पर पड़े मिलेंगे, आप जाइए इसी चैनल पर और सर्च कर लीजिए किसी का भी, जो भी, अगर आप DRDO को फॉर्म भरना चाहते हो तो आप DRDO वाले देख लो, आप SSC तो SSC वाला देख लो, सारे के वीडियो मैंने डाल रखे हैं। अगर कुछ और जानना पूछना चाहते हो तो हमें कमेंट कर सकते हो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर करना बड़ा आसान है, फेसबुक या व्हाट्सएप पर डायरेक्ट शेयर कर सकते हो, वीडियो देख रहे हो नीचे शेयर का बटन आ रहा है उस पर क्लिक करके आप शेयर कर दीजिए, ताकि जिन बच्चों को जो है ना ज़रूरत हो, जो बच्चे नौकरी करना चाहते हो, कम से कम उनका भला हो सके। इस वीडियो में इतना ही, वंदे मातरम।